हाँ मैं आपको बता रही थी कि सना इन्होंने ये कैटेगरी ऑल प्रोडक्ट में मैं इनके देख रही हूँ, इन्होंने 4 प्रोडक्ट डाली है और 4 ही कैटेगरीज बनाई थी, तो उनकी एक एक प्रोडक्ट इन्होंने करी है माशाल्लाह, यानी कि परफेक्ट काम ने किया है। सना खुशबख्त आपने प्रोडक्ट डाली है और प्रोडक्ट में मैं चेक करती हूँ आप डाली है या नहीं डाली। ज़हरा आपने ना WooCommerce और एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया इसलिए आप प्रोडक्ट नहीं डाल सकते। ठीक है मैम, मैंने ये मुझे बात डाली है, आप ये जरा चेक करिएगा क्योंकि मैंने अप्लाई अभी दोबारा किया है, तो लगता है कि आप आ गई हो पिक्चर्स गेस आ गई जी, तो 2 डाली है आपने। ठीक, आपने कैटेगरी जी जी मैंने पोर्टफोलियो की कैटेगरी 3 बनाई थी, बाकी की भी बनाई है, लेकिन मैंने आपको मैंने बताई थी अपनी, फिर मैंने दोबारा से ये क्रिएट किया। ठीक है तो कहीं और चली गई। आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, बस मुझे यही है। जी जी मुझे समझ में आ गया जो है ना, कहाँ जाना था मैंने और क्या करना था। मैम असल में जो कल मेरा जो आपने मुझे बताया था एड्रेस, लेकिन असल में मेरा कुछ इस तरह था कि जैसे मैं यहाँ से बाय करती हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कोई शॉप से और मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ, तो मेरे पास हमेशा कि कैश ऑन डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल आउट पाकिस्तान। हाँ नहीं हो नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है, वो हो ही नहीं सकता। हाँ ये क्या कहते हैं कोई फिल्टर डालना पड़ता है या इसके लिए सेटिंग्स होती हैं या क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो आप टू कंट्री होता है, यानी अपने ही कंट्री में आप कर सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री नहीं कर सकते। आउट ऑफ कंट्री के लिए आपके पास सिर्फ बैंक है या वीजा कार्ड मास्टर कार्ड या फिर पेपॉल, ये वाले एलिमेंट्स पेमेंट गेटवे। ठीक, आपके आपके यूएई में कैश और डिलीवरी वाला सिस्टम होगा तो आपके अपने ही सिर्फ एरिया में वर्कआउट करेगा, बस बाहर नहीं करेगा, क्योंकि वो बाय एयर जहाँ से कोई आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने आएगा नहीं ना, जिसको आप पैसे देंगे वहां जाकर, तो इसलिए। लेकिन ये है कि जैसे जितने भी जैसे अली एक्सप्रेस है आप देखें, और इसके अलावा अमेजोन पे प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उनके पास ये होती है कोई ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, उनको पहले ही पे करनी। ठीक, यूएसए से मंगवाओ तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, यूएई से मंगवाओ तो कैश ऑन डिलीवरी होती है। क्या मतलब अगर मैं यूएई से मंगवाऊंगी तो फिर हो जाएगी? नहीं, अगर मैं यूएई की मतलब कोई प्रोडक्ट लेती हूँ ना अमेजोन यूएई पे जाती हूँ तो मेरी कैश ऑन डिलीवरी होती है, वरना अगर यूएसए वाली कोई प्रोडक्ट पे नहीं होती। वहाँ वेयर हाउस होगा ना आपका, यूएई में वेयर हाउस अमेजोन होगा ना, इसीलिए तो है जी। ठीक है, तो इसके लिए कोई सेटिंग की पीछे से हमें जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कोई सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बैंक डिटेल पेपॉल डिटेल और मास्टर कार्ड वीजा कार्ड डिटेल, इनकी सेटिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको कल दिखाया। और ये जो कैश ऑन डिलीवरी है ये तो सिर्फ आप वहाँ पे जाकर कस्टमर ऑर्डर करता है और उसका एड्रेस जो फिल करता है वो आपके WooCommerce में आ जाता है। यहाँ आपका ये देखिए इधर ऑर्डर्स में उसकी डिटेल नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, WooCommerce जब आप सेटिंग पे आते हैं, देखिए कोई भी प्लगइन है उसकी सेटिंग में ही जाके काम करना होगा ना, उसकी सेटिंग हमें अप एंड डाउन करनी होगी या चेंज करनी होगी, तभी तो हमें कोई चीज रिजल्ट आएगी ना। अब आप कह रही थी कि WooCommerce में ऑर्डर कहाँ से होता है, तो डेफिनेटली आपको सेटिंग में ही जाना पड़ेगा ना, तभी तो आप कोई चीज चेंज कर सकती हैं, या बगैर सेटिंग के कर सकती हैं, आप नहीं कर सकती। तो सेटिंग में जाने के बाद ये देखेंगे पेमेंट ऑप्शन ये आ रहा है, ये पेमेंट ऑप्शन जो है इसको आप क्लिक करेंगी और फिर इसके बाद ये आपके पास सारे ऑप्शन। ठीक है, इधर आप आके कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर सकते, शिपिंग को सिर्फ और सिर्फ यूएई में रख, शिपिंग डिटेल को अगर आप सिर्फ ये कह दें कि ये सिर्फ ये जो शिपिंग डिटेल है यहाँ पे आप आकर डाल दें। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगी ना, जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगी तो आप एक टारगेट पे काम करेंगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। अभी मैं आपको बहुत बेसिक समझ इनके बेसिक चीजों को अगर आप समझ लेंगी ना तो इन चीजों को आगे आगे ढूंढना तलाश करना और पे काम करना बहुत आसान है। ठीक है, मैं अभी आपको इन डिटेल्स तक डालना नहीं चाहती क्योंकि मैं आपको अभी सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करना, स्ट्रक्चर खड़ा करना, उसकी जो डेकोरेशन है ना वो ऑटोमेटिकली समझ ठीक है फिलहाल नहीं जा रही। अभी तो मैंने आपको बस सिर्फ मोटा मोटा ये बता दिया है कि आपने WooCommerce में इधर से आके सिर्फ पेमेंट को ही चेंज करना है, बस आपने और किसी चीज को नहीं छेड़ना। WooCommerce में अब देखिए मैंने आपको सेटिंग में आके सिर्फ दो काम बताया, ठीक है, जनरल एंड परमानेंट। बस फिर उसके बाद प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, फिर मैंने अपीयरेंस करना है और उसके बाद थीम के बाद टेम्पलेट किया था उस थीम से डेमो इंपोर्ट कर देना, वो कर दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में भी मैं सिर्फ देखो हर प्लगइन में से मैं आप लोगों को एक एक दो दो चीजें बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बता रही हूँ कि आप बाकी चीजें। हाँ, मेरे पीछे जो बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैंने एक टारगेटेड वेबसाइट दी, आपकी तरह तो नहीं, मैंने उनको पहले भी उनके साथ ही मैंने सारा कुछ यही किया है। अब वो ये सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं, यानी इस प्लगइन में और आगे आगे चीजें हैंडल कर रहे हैं, मेरे बताए बगैर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी पहले सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करना सीखा, अब वो एक करेंगे। एक स्टूडेंट मेरी जो है वो एक स्टूडेंट है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट तैयार करेंगे और एक स्टूडेंट जो है उनके हस्बैंड इंजीनियर हैं, उनकी वेबसाइट क्रिएट कर रही है। देखिए हर एक अपना टारगेट है, जैसे करने में भी, तो वो इंशाल्लाह जब आप इस तो फिर मैं आपको आपकी ही वेबसाइट का टारगेट ट्यूटोरियल्स दे देकर कहाँ पे कहीं आप अटकेंगे, तो वो मैं आपके बैच के साथ कर रही हूँ। चेक करती हूँ कि जो आप ऑप्शन हैं कि नहीं है, वो मैं अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैं उनको वो आगे डिलीवर करती हूँ, वो ट्यूटोरियल, और वो उसको फॉलो करती है या करते हैं। फिर उसके बाद फिर वो कहीं पे भी स्टक होते हैं, कॉल करते हैं या मेरे से मैसेज करते हैं, तो वो वहां से निकाल कर तो फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसी तरह आपके साथ हो, ठीक है। थैंक यू। बस आप लोगों के पास और टारगेट सॉरी आपके पास है, बाकी चीज और खुशबख्त सना अपना पोर्टफोलियो अपना आपने वेबसाइट का नाम सोच के रखना है जो आपने डोमेन बनानी है और उसके बाद आपने अपना लोगो बनाना है। बस ये दो काम आपने आजकल में ही सोच के रखना है। रेडी है ये सब, आपने कैनवा से बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो वो मैं भी कैनवा भी इंशाल्लाह बताऊंगी, ये प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, ठीक। यहाँ ये बस खत्म होने वाला है हमारा डैशबोर्ड, एक वीक और लगेगा तो हमारा डैशबोर्ड मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड मुकम्मल होने के बाद जब 2 छुट्टियां आएंगी 3, तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कैनवा का काम दूंगी। कैनवा पे हमें क्या क्या काम करने हैं, बस वो कैनवा इंशाल्लाह आप उन चीजों के लिए वो वर्क दूंगा, ठीक है। तो हमारा आपको WooCommerce समझ में आ गया, पेमेंट गेटवे समझ में आ गया, आपको पेमेंट गेट समझ में आपको? जी मैम समझ आ गया, ठीक है। ज़हरा आप हमारे साथ हैं? जी मैं हूँ। ये WooCommerce नजर आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। ये प्लगइन डाला और एक एलिमेंटर, ये दो प्लगइन आपने नहीं डाले। अगर आपने WooCommerce डाला होता तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये नजर आता, ये प्रोडक्ट में आप ठीक है, ये देखिए और वहीं पे भी WooCommerce डालेंगे तो आप प्रोडक्ट और वहाँ से आप ठीक है, ठीक है। आप साइट पर आते हैं, साइट पर आते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ये जितने भी टैब्स हमने किए ये आपको क्लियर है, मुझे बेसिक बता दें। ऐड प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गई, प्रोडक्ट क्या है। आज मैंने आपको बताना है पेजेस के बारे में, ठीक है। पेजेस आज का टॉपिक है हमारा पेजेस। पेजेस में हम यही कैटेगरीज जो हमने कैटेगरी में डाली, ये पेजेस में कैसे आती, पेजेस में हम जाएं, पहले हम ऑल पेजेस को खोलेंगे। पेजेस क्या होता है कि ये आपकी फ्रंट साइट है ना, ये ऑल प्रोडक्ट एयरपोर्ट्स की तो उसकी है शाहिद सना आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट में फ्रंट आपकी साइट ये सना आपकी वेबसाइट में ये देखें होम ऑल प्रोडक्ट अबाउट कॉन्टेक्ट अकाउंट ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, ये पेजेस कैसे हैं। अब मसलन ये शाहिद की वेबसाइट में पहले खुली हुई, मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या है, ऑल प्रोडक्ट एयरपोर्ट्स बैटरीज चार्जर्स ये देखिए एक नजर, इसमें आप देखिए कहाँ पे ना ये एयरपोर्ट का पेज है, एयरपोर्ट का पेज है और इसके अलावा ये चार्जर का पेज है और ये कॉन्टेक्ट का पेज है, होम का पेज है, माय अकाउंट और स्टोर। ये जो पेज उन्होंने फ्रंट पे क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे नजर, बैटरीज एयरपोर्ट्स चार्जर्स और क्या था, यही पेजेस है ना उनके फ्रंट पे और कॉन्टेक्ट अस, ये वाले पेजेस उनके बने हुए हैं। ये पेजेस बढ़ाते आप बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने के बाद मसलन ये देखें, बढ़ाएंगे कैसे, जैसे कि आपने प्रोडक्ट बढ़ाई, आप प्रोडक्ट पे जब गए थे तो आपने प्रोडक्ट पे हम कहाँ गए थे, प्रोडक्ट कहाँ गया, WooCommerce पे जब हम प्रोडक्ट्स में गए थे, ये जब हम प्रोडक्ट्स पे गए थे और यहाँ पे आपने आके ऐड न्यू करते गए थे तो नई प्रोडक्ट ऐड होती गई थी ना। तो इसी तरह से बिल्कुल हमने जब कोई नया पेज, इन पेजेस के अलावा हम चाह रहे हैं कि कोई नया पेज बने तो उन पेज में हम ऐड न्यू कर देंगे। ऐड न्यू पेज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जब टैप होता है तो इसके बाद ये आपका पेज खुलेगा। एक नया पेज बनाने के लिए स्पेस मिलेगी आपको, वहां पर उस जगह जाकर आपने अपनी मर्जी से एक नया नाम लिख दिया। ये देखें, इसको अपने बंद करना है। ब्लॉक एडिटर ये एक तरीका होता है पेज पे काम करने का, लेकिन इसलिए हम इस पे काम करते हैं। हमने नया पेज जो बनाना है वो किस चीज का बनाना है, नया पेज हम बना लेते हैं मोबाइल एक्सेसरीज बनाए। मोबाइल एक्सेसरीज के नाम से नया पेज बनाते हैं और इसको हम पब्लिश करें। बस सिर्फ नाम लिखना है, पब्लिश करना है। जितने भी पेजेस आप बनाना चाहते हैं नाम लिखे पब्लिश करें, नाम लिखे पब्लिश करें, नाम लिखे पब्लिश करें, करते जाएं। इनकी सेटिंग बाद में होगी और वो एलिमेंटर के थ्रू जो हमने प्लगइन बिल्डर प्लगइन नहीं बिल्ड है तो प्लगइन, लेकिन इसको हम बिल्डर कहते हैं, बिल्डर इसके जरिए इसकी बाद में सेटिंग। अब हम देखते हैं ये पेज हमारा गया कहाँ। हमें वापस डैशबोर्ड पे जाना है तो हम इधर W पे वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप देखें ये मैंने पेज बनाया, इधर आ गया ना ये पेज। और हम देख रहे हैं कि फ्रंट साइड पे आया ये पेज कि नहीं। हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, अब देख ये मोबाइल एक्सेसरीज का पेज मैंने क्रिएट किया। आप समझे कि मैंने वन बाय वन आते आते यहाँ पे सारे ही पेजेस क्रिएट करे। अब इन्होंने फर्ज करें कि आपने जैसे कैटेगरीज बनाई थी, आपने कैटेगरीज बनाई थी, बैटरीज की कैटेगरी बनाई थी, एयरपोर्ट की कैटेगरी बनाई थी, चार्जर की कैटेगरी बनाई थी, ये तीन कैटेगरीज बनाई हैं आपने। आपने क्या ये कैटेगरीज में भी शायद नहीं रखा है कि नहीं रखा, हम जरा यहाँ से चेक कर लेते हैं कि उन्होंने इस चीज की कैटेगरी रखा है कि नहीं रखा। मैम ये मैंने कैटेगरी के अंदर से बनाई थी, प्रोडक्ट के अंदर जाके कैटेगरी में बनाई थी। मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही, कैटेगरी आप बनाते हैं और सिर्फ पेजेस में बना देते हैं तो तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये अगर आपने आपके ऑल प्रोडक्ट और एक्सेसरीज है आपने यहाँ तो बनाई ही नहीं है उनको, तो आपने सिर्फ पेजेस पे बनाया है। देखिये आपने सिर्फ पेजेस पे बनाया और यहाँ पर शो होने लगा, सिर्फ पेजेस से बनाया और इधर शो होने लगा। आपने कैटेगरी में जो चीजें बनाई एक्सेसरीज और पॉड वो तो यहाँ नहीं शो हो रही ना। अब कैटेगरी को शो करवाने का तरीका और है और पेजेस को शो करवाने का तरीका, कैटेगरीज को शो करवाने का तरीका और है, पेजेस को शो करवाने का तरीका मेन्यू से। ठीक है, कैटेगरी को आप मेन्यू से शो नहीं करवा सकते। मेन्यू से ये जो मेन्यू था हमारा, कहाँ पे हमारा मेन्यू आ रहा था, कहाँ पे आता है हमारा मेन्यू सना या खुशबख्त, हमारा मेन्यू कहाँ आता है? खुशबख्त हमारा मेन्यू कहाँ आता है? सॉरी, अपीयरेंस में आएगा जी, हमारा मेन्यू में अपीयरेंस, मेन्यू हमारा अपीयरेंस में आता है। पेजेस जो है वो बार बार सुन ले, मैं फिर बता रही हूँ, पेजेस जो है वो मेन्यू से शो होंगे, पेजेस मेन्यू से शो होंगे, पेजेस मेन्यू से शो होंगे, कैटेगरी मेन्यू से शो नहीं होगी। वही कैटेगरी आपकी मेन्यू से शो हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर आपको मैं कैटेगरी शो कर, मैंने अभी नया पेज बनाया, मैं गई पेजेस पे, कैटेगरी मेन्यू पेजेस से शो हो सकती है। कैसे हो सकती है? मैं पेजेस पे जब गई थी तो मैंने यहाँ पर एक पेज क्रिएट किया था मोबाइल एक्सेसरीज का। ठीक है, मोबाइल एक्सेसरीज। मैं एक और पेज क्रिएट करती हूँ। शाहिद बताइए कौन क्या किस नाम से क्रिएट करूँ? मैम ये आप हैंडफ्री के नाम से क्रिएट करूँ। आप ये एयरपोर्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट होती है हैंडफ्री, एक ज़्यादा। जी जी, मुझे पता है शायद। अच्छा ठीक है, हम क्या करेंगे इसको खुशबख्त, हम इसको क्या करेंगे, पेज को पब्लिश कर देंगे। इसको हम पब्लिश कर देंगे और ये बन गया। अब हम वापस वर्डप्रेस पे जाएंगे। मैं ये आइकन बन गया ना, ये हमारा एक तरह से एक आइकन बनना, तो हम वो पेज को हम एक आइकन के तौर पे यूज करते हैं ना। ये आइकन, ये पेज ही होता है, आइकन और चीज होती है, पेज और चीज। ये पेज बन गया। मैं एक और शायद एयरपोर्ट, अच्छा बैटरी की कोई कैटेगरी बताएं। मैं एयर पे हैंड फ्री को रखूंगी, ये एयरपोर्ट की कैटेगरी में हैंड फ्री को रखूंगी। बैटरी के लिए कोई कैटेगरी बताएं। अब नीचे एप्पल बैटरी कर दे, आईफोन की बैटरीज कर दे, तो सैमसंग की बैटरीज कर दे, ऐसे इसकी कैटेगरीज बना रही हूँ, 3 और। ठीक है, मैं उसके लिए सना क्या करूंगी बताइए? एडिट करेंगी। नो, चाइल्ड बनाएंगे। सना आप बताएं। सॉरी, मैं मेन्यू में जाके इसको मैंने इसकी अभी मैंने आप लोगों के सबके सामने एयरपोर्ट के लिए कैटेगरी बनाई थी हैंड फ्री, वो उसकी कैटेगरी बनाई है मैंने, कैटेगरी के लिए पेज बनाया है मैंने। तो फिर अब बैटरी की कैटेगरी के लिए क्या करूंगी? एड न्यू पे जाएंगे। एड न्यू, ये एड न्यू हम इधर से भी जा सकते हैं, पेज नया पेज ऐड कैटेगरी तरीका बता दें आपको बनाने का। यहाँ पे हम आके हमके एप्पल बैटरीज, यही बताया था ना आपने जी, एप्पल बैटरीज कर दें, सैमसंग बैटरीज कर दें। चलिए, एक हमने ये पब्लिश कर दिया, एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी क्या बनाएं? सैमसंग बैटरीज कर दें, मोबाइल बैटरीज, पावर बैंक कर दें, पावर। और मैम ये सब कैटेगरीज में तो नहीं दिख रही हैं, ये तो ऐसे ही दिख रही हैं नॉर्मल, जैसे सारी आपकी दिख रही हैं पेजेस। बताओ ना, ये हमने 3 पेजेस क्रिएट। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है ये, और सबसे टफ टास्क है आपके वर्डप्रेस में। जो आप में से जो इसका कनेक्शन समझ लेगा ना, आप समझे उसने आधी वेबसाइट समझ ली। आपने इसको बहुत बार बार प्रैक्टिस करना और इसको खुद से इसके कनेक्शन जोड़ने हैं आपस में। देखिए, आप ना कनेक्शंस नहीं जोड़ पाए ना अगर इन चीज में, तो फिर आपको बहुत मुश्किल लगेगा। कनेक्शन पेश कीजिएगा आपस में चीज़ों का। अब हमने पेजेस क्रिएट करनी है, मैंने आपके सामने 4 पेजेस नए बनाए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि ये देखें जो मैंने पेजेस बनाए थे फ्रंट पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, फ्रंट पे सिर्फ वही कुछ नज़र आ रहा है जो ये मेन्यू में लेकर आए हुए हैं। शायद मैंने जो बनाया वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, ये देखिए रिफ्रेश भी कर दिया, नहीं नज़र आ रहा। तो वो जो आप लोगों ने कल कैटेगरीज बनाई थी उसको आप बिल्कुल भूल जाएं, आप उनको भूल जाएं कि आपने बनाई ही नहीं थी। बस मैंने आपको ना डिफरेंस समझाने के लिए उसको पहले बना कि आज के पेजेस और उस कैटेगरी में मैंने आपको डिफरेंस बताना था। वो भी कैटेगरीज बनाई थी, आज भी कैटेगरीज बना रही, आज भी वही काम कर रही हूँ लेकिन दूसरे तरीके से। मैंने अभी आपको सबसे पहले एक बात बार 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 दोहराई, 3-4 दफा दोहराई। वो मैंने क्या दोहराई कि पेजेस में जो कैटेगरी होती है वो कहाँ शो, पेजेस की मेन्यू में, पेजेस की ऑल पेजेस में पहले ठीक बता ये पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी बनाए हैं ये पेजेस नजर आ रहे हैं आपको। शायद मुझसे बता दें इसमें जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं मैं उसे डिलीट कर दूं। कार्ट यूज हो रहा है ना आपका, और चार्जर भी यूज हो रहा है, और चेकआउट हो रहा है आपका, और कॉन्टेक्ट पेज भी यूज हो रहा है, हैंड फ्री यूज हो रहा है, होम भी यूज हो रहा है, मोबाइल एक्सेसरीज भी यूज हो रहा है, माई अकाउंट आपका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, माई आपका, हाँ ये यूज हो रहा है, ये भी हो रहा है। और इसके अलावा पावरमेंट हो रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं यूज हो रहा। इसको हम यहाँ से ट्रैश कर, ठीक है। ये ट्रैश अगर कभी कोई हम पेज गलती से ट्रैश कर दें वो वापस, क्योंकि हम उसको परमानेंट डिलीट नहीं कर रहे, यहाँ से हम अंडू भी कर सकते हैं। 1 पेज रिमूव और अंडू, यहाँ से हम उसको वापस भी लाना चाहिए। और परमानेंट जब वो वापस आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो परमानेंट डिलीट होगा। ये आपको बता रहा है कि ट्रैश में एक चीज गई है। आप कभी कभी हम गलती से भी कोई पेज ट्रैश कर देते हैं तो घबराइएगा मत कि वो गायब हो गया, गायब नहीं होगा। आपकी 15 प्रोडक्ट्स हैं टोटल पेज, और हमने यहाँ से एक और पेज ट्रैश करना है, सैंपल पेज। ये आपके फालतू पेजेस खत्म होने चाहिए, ठीक है। वो भी यहाँ से खत्म। स्टोर यूज हो रहा है आपका, स्टोर यूज नहीं हो रहा, उसको भी ट्रैश कर दो जी, उसको भी कर दें। वैसे स्टोर होता है, मैं आपको बताऊं, जो जितनी एक्सेसरीज आपने यहाँ डाली है ना, एक टैब ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी की पूरी एक्सेसरीज नजर और बाकी जो है वो कैटेगरीज होनी चाहिए। इसलिए स्टोर यूज होगा। अभी आपने शो नहीं करवाया लेकिन होगा। मैं वो जी शाहिद जो ऑल प्रोडक्ट के नाम से मैं बनाऊंगा, या फिर जो मोबाइल एक्सेसरीज है उसको मैं स्टोर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये ऑल प्रोडक्ट में आ गया बस, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से, इसको आप ट्रैश, ऑल प्रोडक्ट में सारा कुछ। अच्छा, अगर ये थीम के साथ था स्टोर, अगर ये स्टोर थीम के साथ था तो फिर आपके ऑल प्रोडक्ट में वो चीजें नहीं आएंगी, वो स्टोर में ही आएंगी। अब यहाँ शो हो रही है, इसका मतलब है आप डालते जाएंगे पिक्चर्स और यहाँ शो होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये पेजेस कंप्लीट हो गए। अब हमने इनकी कैटेगरी बनानी है। जैसे कि कल हमने कैटेगरी को बनाया था, वो कैटेगरी हमारी फ्रंट पे जाके शो होना शुरू होगी। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि वो जो आपने कल कैटेगरी बनाई थी वो यहाँ पर आकर हमें उसका काम करना है तो शो होगी, ठीक है। इधर आके हमने यहाँ आके उसका काम करना है। लेकिन ये जो हमने पेजेस से कैटेगरी बनाई है, इसको अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इस कैटेगरी और उस कैटेगरी में क्या होता है, ये बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं कैसे होनी है। हम इधर आएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आने के बाद हम इधर आएंगे मेन्यू में। हमने जो पेजेस अभी अभी क्रिएट किए हैं वो पेजेस यहाँ आएंगे सारे मेन्यू में। हम ऊपर क्रिएट करते गए, वो नीचे जमा होते गए। प्रेस में एक वर्डप्रेस खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी डोमेन नेम लगाना शुरू हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन इन, अच्छा ये देखिए, हम इसको डिलीट करते हैं और इसको दोबारा डालते हैं। न्यू आइटम प्लीज। अच्छा ये देखिए, ये है मेन्यू जो आपने मेन मेन्यू बनाया। मेन मेन्यू लॉगिन अपने सारे नाम है। मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू जो खास नाम, मेन मेन्यू और ये नीचे भी प्राइमरी मेन्यू। यहाँ मेन मेन्यू के नाम शो नहीं होता, वो मेन मेन्यू शो होता है। लॉग इन अकाउंट मेन्यू हमने इसको इसमें नहीं रखा। जैसे हम चेकआउट करेंगे इसको हम सिर्फ प्राइमरी मेन्यू में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ इसको प्राइमरी मेन्यू पे अगर हमें काम करना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और ये कर रहा है कि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो दोबारा मैं इसको लाना चाह रही हूँ। मेन्यू सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसके अलावा कौन से लिंक्स हैं और सेकेंडरी मेन्यू है। सेकेंडरी मेन्यू कहाँ यूज होता है कि हम कभी फुटर में रखना चाह रहे हैं, कहीं सेंटर में कोई मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, किसी टैब में कोई मेन्यू खोलना चाह रहे हैं, किसी और पेज पे कोई मेन्यू खोलना चाह रहे हैं। ये सेकेंडरी मेन्यू जो है वो हमारे वो क्विक लिंक ये बनाते नहीं है अमूमन वेबसाइट पे। लिंक्स जो है वो हम आगे फ्रंट पे ऐड करते जाते हैं। लिंक्स इसी क्विक लिंक के नाम से मेन्यू की फिलहाल जरूरत कोई नहीं है, पढ़ सकती है लेकिन फिलहाल हमारी वेबसाइट पे इसकी ये वाले दोनों मेन्यू फिलहाल हमारे लिए चाहिए। वो है हमें इस मेन्यू पे आना है, सेकेंडरी में करेंगे क्लिक करने के दोबारा से आएगा। ये देखें चेंज होने की वजह से दोबारा से आया। आप लाओ, ये हमारा सेकेंडरी मेन्यू इस तरफ आया है। ये कहाँ से बनेगा, क्यों सेकेंडरी में आ गया, ये जब हम इधर फ्रंट पे जाके काम करेंगे पता चलेगा कि सेकेंडरी में क्यों आ गया। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ फर्स्ट मेन्यू पे, मेन मेन्यू पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्विक लिंक वाला भी आप चेक कर लें एक दफा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, खाली इसको खोलने से मेन्यू नहीं खुलेगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। देखिए वाले मेन्यूज थे, होम, ये कस्टम लिंक हम इधर से बना सकते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टम लिंक बना सकते हैं इन्हीं चीजों के, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ पेजेस पे काम करेंगे। ये देखिए पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज और WooCommerce एंड पॉइंट्स। हम पेजेस पे काम, बस बाकी चीजें हम बिल्कुल बाद में देखेंगे। सिर्फ पेजेस पे आपने बाकी नहीं होना, आपने सिर्फ पेजेस पे रहना है और आपने बस इसी को, हम बाकी चीजों पे आपने नहीं जाना। और इसमें मेन मेन्यू पे है, अभी किसी और नहीं जाना, किसी और चीज को। यही सारा काम हम करवाऊंगी, लेकिन जो ये पेजेस से शो करना, ये आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा ना, तो आप सिस्टम समझाना ये भी मैं आपको दिखा क्यों मैं आपको पेजेस से कैसे बता रही हूँ। ये एक वेबसाइट, कस्टमर की वेबसाइट, काफी बड़ी वेबसाइट है ये, और बहुत सारे मेन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये अलग है। कुरान मजीद और ये सारी किताबों के अलग हैं, ये वाले सारे अलग बने हुए हैं 1 2 3 और उनके मेन्यू अलग हैं। तो 15-20 मेन्यू बने हुए हैं इस एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, 15-20 मेन्यू इस एक वेबसाइट के अंदर बने हुए हैं। ये सिर्फ पेजेस से बन सकते हैं। अगर जो पेजेस का सिस्टम ना समझ में आता, मैं वो 15-20 मेन्यू कैसे बनाती, वो कस्टमाइजेशन से नहीं बनते। इसीलिए मुझे आपको मेन्यू सिस्टम समझाना जरूरी है कि कोई बड़ी वेबसाइट आपके पास आती है, उसके बहुत सारे मेन्यूज आप कहाँ से, अभी मैं आपको उस वेबसाइट को खोल के दिखाना शुरू करती ना, तो हमारा 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ उस वेबसाइट पे चला, क्योंकि उसके अंदर 15 मेन्यू बने हुए हैं। मैं सिर्फ आपको एक मेन्यू बता रही हूँ। जब हमें नया मेन्यू बनाना होता है, वो भी हमें इधर से ही आके बनाना होता है, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है क्रिएट न्यू मेन्यू, क्रिएट न्यू मेन्यू। अब आप चाह रहे हैं कि आपका मोबाइल एक्सेसरीज का एक अलग ही मेन्यू हो, बिल्कुल। अब आप चाह रहे हैं आपका एयरपोर्ट्स का एक बिल्कुल नया ही मेन्यू हो, किसी और पेज पे जाके एक और ही मेन्यू खुले, उसका 5 मेन्यू आप अपनी वेबसाइट पे और क्रिएट कर सकते हैं। वो यहाँ से करेंगे क्रिएट, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। आपने सिर्फ और सिर्फ खुशबख्त और जहरा और शाहिद, आपने सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, इन मेन्यू पेजेस में जाके पेजेस बनाना, उन पेजेस को आकर अपीयरेंस में, मेन्यू में, मेन मेन्यू बस। और मेन मेन्यू में इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन पे काम करना है, पेजेस, बस सिर्फ पेजेस पे आके। अच्छा, अब के इन पेजेस में मैंने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया। मेन मेन्यू में मेरा क्या था, हमारे मेन मेन्यू में ये हम से एक मेन्यू में लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कोशिश की कि आप मेन्यू से हटाकर आप इन 3 चीजों को अलग लाएं तो आपका कैटेगरी में आ जाएगा, ये आपने किया? जी मैम, ये मैं कह रहा हूं कैटेगरी ऐसी बनाओ जिसमें वो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है। चक्कर में अलग बनाने के चक्कर मेन्यू अलग बनाया और फिर भी वो ड्रॉप डाउन आपको एक नया मेन्यू बनाना, ये एक न्यू मेन्यू। हालांकि ये मैं आपको बताना चाहती कि आपने यहाँ दिया हुआ है जो फंक्शन ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है ना, वो आपने डिस्टर्ब किया है सारा, ठीक है। ये क्रिएट न्यू मेन्यू पे मैंने क्लिक किया। मैं आपकी साइट दिखाती ही नहीं होती, ये मैं नया मेन्यू आपके सामने बनाना नहीं चाह रही थी। मैं सना की वेबसाइट पे आती, सना की वेबसाइट में मैं मेन्यू पे आती हूँ, पेरेंट्स मेन्यू। मेन्यू में आने के बाद इन्होंने जो पेजेस वहां से क्रिएट किए हुए हैं, मैं देखती हूँ इनका मेन मेन्यू किस तरह का। Important deals, main menu, select, home products, about, ये सना का मेन मेन्यू, ठीक है। My account, card, my account को लॉगिन करना, इसको हमें फ्रंट पे ही रखना। ये मेन मेन्यू हमने सेलेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर हम आके इनकी बाकी चीजें के साथ, तो ये कि मैंने पेजेस उनके बनाए हुए हैं, मेन्यू में इनका लेकर चलूँगी। इनके मेन्यू कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट लिंक्स, अच्छा ये ऑटोमेटिक, एक आपने तो नहीं बनाया ना इम्पोर्टेंट लिंक्स और क्विक लिंक्स? नहीं मैम, ये बने हुए थे, मैंने नहीं बनाए पेजेस, कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, हम ना यहाँ पर आकर शाहिद के मेन्यू में भी मैं नया नहीं क्रिएट, मैं नया मेन्यू जब हमें किसी जगह क्रिएट करूँगी, मैं इनका जो मेन मेन्यू बना हुआ ना, इसी के अंदर वो पेजेस ऐड कर देती हूं जो मुझे चाहिए, वो सारी चीजें जो उन्होंने दूसरे मेन्यूज, ठीक है। आपने बस सिर्फ ना पेजेस और पेजेस ऊपर वाले और पेजेस मेन्यू वाले, बस इनको ही फोकस करना है, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, और ये मेन मेन्यू लिखा हुआ है और यहाँ से हम लॉग्ड आउट मेन्यू हटा के, और यहाँ से हमने जो बनाया था ना ये एयरपोर्ट्स, बैटरीज एंड चार्जेस, ये वो सारे मोस्ट रिसेंट पेज जो अभी अभी बनाए हैं, व्यू ऑल जो टोटल पेज ऊपर बने, ठीक है। ये वो सारे पेजेस ये वैसे तो मोस्ट रिसेंट में ही सारे पेजेस नजर आते हैं, अगर नहीं आए तो फिर भी व्यू ऑल करेंगे ना तो आपको ऊपर जो जितने भी हमने यहाँ पेजेस बनाए थे ना ऑल पेजेस, ये व्यू ऑल में हमें सारे पेजेस नजर आएंगे। अब यहाँ देखें हमारे सिर्फ एयरपोर्ट बैटरीज और चार्जर बने हुए, हमें तो होम भी चाहिए, अबाउट भी चाहिए, एयरपोर्ट आया हुआ है हम ये नहीं लेंगे, एप्पल बैटरी बनाया था वो भी बैटरीज इधर आया हुआ है, और कार्ट पेज भी चाहिए और चार्जर इधर आया हुआ है ये नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा चेकआउट पेज भी चाहिए हमें, नहीं चेकआउट पेज हम इधर नहीं डालेंगे क्योंकि चेकआउट पेज देखें ना यहाँ फ्रंट पे इधर इस जगह पे तो चेकआउट पेज नहीं ना बनेगा। और इसके अलावा चार्जर आया है यहाँ पे, चार्जर आया हुआ है, चेकआउट नहीं चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पेज चाहिए हमें, और हैंड फ्री पेज जो हमने बनाया था वो भी चाहिए, मोबाइल एक्सेसरीज पेज भी चाहिए, ठीक है। माय अकाउंट उनका दूसरे पेज में आया हुआ था, सेकेंडरी मेन्यू में आया हुआ था तो वो सेकेंडरी मेन्यू पे रहेगा, सेकेंडरी मेन्यू उधर शो होता रहेगा, इसलिए हमें उसके मसला नहीं होगा। अब माई अकाउंट भी मेरे ख्याल में सेकेंडरी मेन्यू में था वो इधर आएगा, अदरवाइज अगर आप सारा कुछ एक ही मेन्यू में लाना चाहते हैं यहाँ भी आ सकता है। पावर बैंक भी हमने बनाया था ये भी हमें आएगा, ठीक है। अब ये जितने भी हमने क्लिक किए इन सबको जब एड टू मेन्यू करेंगे तो ये सारे के सारे, अब हमने इनकी पोजीशंस चेंज कर दी। होम सबसे पहले आता है, अबाउट सबसे पहले आता है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट सबसे आखिर में आता है, आपको पता है ना। इसको हम पिक करेंगे और उठाकर हम इधर रख देंगे। इसके बाद हमें कैटेगरी निकालनी है, कौन कौन सी मेन कैटेगरी है शाहिद बताएं। सबसे पहले हमारे अच्छा ये कार्ड, मोबाइल एक्सेसरीज कर दें, हमें ये कार्ड भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड सेकेंडरी मेन्यू में था जी, सेकेंडरी मेन्यू में, हाँ वो हमने डिलीट किया। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, मोबाइल एक्सेसरीज हम ऊपर रख लेंगे और बैटरीज हम ऊपर रख लेंगे और एयरपोर्ट्स हम ऊपर रखेंगे, ये मेन है जो हमें मेन पे शो होने चाहिए। जब बैटरी बनाया था ये बैटरीज के ड्रॉप डाउन में आएगा तो इसको हम इधर आके लाके रखेंगे, और बैटरीज के साथ हमारा चार्जर था, ये पावर बैंक है ना, पावर बैंक को भी हम इसके ड्रॉप डाउन में कर देंगे और चार्जर को भी हम इसके ड्रॉप डाउन में कर देंगे बैटरीज के, ठीक है। एयरपोर्ट जो था हमारा मोबाइल एक्सेसरीज में कर देंगे एयरपोर्ट, और हैंड फ्री भी हम नीड कर मोबाइल। अब हमारे मेन क्या हो गए, होम, अबाउट, मोबाइल एक्सेसरीज, बैटरीज, मोबाइल एक्सेसरीज एंड बैटरीज। मोबाइल एक्सेसरीज में एयरपोर्ट और भी आ गया और बैटरी में एप्पल बैटरी, पावर बैंक और चार्जर, ठीक है। ये हमने सिर्फ प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। और सेकेंडरी मेन्यू ये जो अबाउट है ये तो क्विक लिंक्स में मेरे ख्याल से है, अबाउट तो नहीं मेन कैटेगरी में, मेन मेन्यू में, सॉरी प्राइमरी में, तो प्राइमरी मेन्यू में रखना चाहिए अबाउट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आपका जो आप कह रहे हैं आपके प्राइमरी मेन्यू में है, कौन सा मेन मेन्यू में है वो यहाँ शो नहीं हुआ, ठीक है। क्विक लिंक्स में है, ये क्विक लिंक्स जो है ना वो लिंक्स हैं जो हम यहाँ आकर क्रिएट करते हैं, हम इसलिए क्विक लिंक का मेन्यू नहीं बनाना चाहते, क्विक लिंक का मेन्यू रखना ही नहीं था, 6 मेन्यू रखने की हमें जरूरत ही नहीं। आपको कुछ वक्त कर सकना। अच्छा ये देखिए हमने यहाँ से उठाया जो पेजेस अच्छे बनाए थे उन सबको लाकर व्यू ऑल किया, यहाँ से हमें वो पेजेस इधर नजर आने शुरू हो गए, इधर से वो पेजेस उठाकर हमने इधर से चेक करते गए और इधर से आके ऐड टू मेन्यू किया, और ऐड टू मेन्यू करने के बाद हमने यहाँ लाकर उन सबको रखा, जो मेन आइटम्स थे हमने वो ऊपर रख दिए और जो उनकी कैटेगरीज बनानी है हमने उनको हमने उनके ड्रॉप डाउन में उठाकर थोड़ा सा आगे कर दिया, पहले उनको उनके नीचे रखा उठाकर थोड़ा आगे कर दिया तो वो उनके ड्रॉप डाउन में आ गए। हमने यहाँ सेव मेन्यू कर दिया, सेव मेन्यू करने से पहले हमें चेक कर लेना है कि नीचे प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर ये क्रिएट नहीं होगा। हमने ये क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद हम जब फ्रंट पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी आ गई, ये इसके ड्रॉप डाउन, मोबाइल एक्सेसरीज का ड्रॉप डाउन और बैटरीज के ड्रॉप, ये सारे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो हमें शो करवानी है ना, एयरपोर्ट की और हैंड फ्री की और बैटरी की और एप्पल बैटरी की, इन सबको हमें शो करवाने के लिए वापस अपने डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, ऑल पेजेस में जाना होगा। ऑल पेजेस में जाने के बाद हमें फर्ज करें एयरपोर्ट की पिक्चर्स देनी है, तो हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और उसके बाद उसमें जाके पिक्चर्स डालेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे पिक्चर डालेंगे, एक एक पिक्चर डालेंगे और वो वहाँ पिक्चर हमें वहाँ फ्रंट पे शो होना चाहिए। ये एयरपोर्ट है ना, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और ये पूरा पेज हमारे सामने खुल जाएगा। पेज तो हमने फ्रंट पे पहले ही डाल दिया है, उसकी पिक्चर जो है वो यहाँ से फ्रंट पे सेटिंग करने से हमारे पास आती रहेगी। ज़हरा, आज जो मैंने आपको काम दिया था वो ये था, आपको मैंने एक पेज जो सबीन है उनकी वेबसाइट जो अपने हस्बैंड की बना रही है, उसमें मैंने आपको एक पेज क्रिएट करने को दिया था। जी जी, यहाँ से भी कर सकती हैं आप, ठीक है। अभी ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। सिंगल पेज पे पेजेस लगाकर उस पेज को ओपन करें और उसको एडिट विद एलिमेंटर करें, तो यहाँ से भी आप उसमें काम कर सकती हैं। जो आपको मैंने एक कौन से मसूद साहब का पोर्टफोलियो, जी जी, ज़हीर साहब का पोर्टफोलियो, आप वहाँ से पेज को ओपन करेंगी और एडिट विद एलिमेंटर करेंगी, ये एलिमेंटर खुल जाएगा और यहाँ पर आकर आप उसका वन बाय वन एक एक एलिमेंट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये लोड हो रहा है अभी, ये लोड अब ये क्रिएट करना शुरू करेंगे और आपकी पूरी वेबसाइट इंशाल्लाह यहाँ पे एक पेज, पूरे पेज पे, इस पेज के अंदर भी आप मेन्यू बना सकते हैं। अगर हम वो क्रिएट न्यू करके नए नए मेन्यूज बनाए तो इस पेज के अंदर भी हम मेन्यू ला सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मेन्यू और मेन्यू क्रिएट करके ये हेडर जो है ना, जो आप हमने पीछे मेन्यू में बनाया है, यही हम एलिमेंटर पे भी बना सकते हैं, सेम ऐसा, बगैर हेडर के भी बना सकते हैं, यानी पीछे मेन्यू में लाए बगैर भी हम इधर से भी बना सकते हैं। ये तीन जगहों से बनाया जा सकता है, जैसे कि शाहिद ने बताया कस्टमाइजेशन से भी बनाया जा सकता है। नंबर 2 जो मैंने बताया पीछे मेन्यू से, वहां से भी जाके बनाया जा सकता है। नंबर 3 ये एलिमेंटर से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस 2 महीने की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मेन्यू से ही बनाना बताऊंगी। आपने भी इन 2 महीने की क्लासों में किसी और जगह से जाके मेन्यू क्रिएट नहीं करना, आपने इसी एक ऑप्शन पे रहकर मेन्यू की प्रैक्टिस करनी है, यानी पेजेस क्रिएट करने हैं। जो पेज आप ऊपर क्रिएट करते जाएंगे वो अपीयरेंस में जाकर नीचे पेजेस में उसको तलाश करना है और वहां से तलाश करके उसको ऐड टू मेन्यू करना है। ऐड टू मेन्यू करने से पहले आपने ऊपर चेक कर लेना है कि ये मेन मेन्यू सेलेक्ट हुआ हुआ है कि नहीं, मेन मेन्यू प्राइमरी मेन्यू सेट हुआ हुआ है। अगर वो हुआ हुआ है तो मेन मेन्यू प्राइमरी मेन्यू में जो पेज आपने ऊपर बनाए थे वही पेज आपने नीचे आकर तलाश करके ऐड टू मेन्यू कर देने हैं और नीचे से भी आकर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके सेव टू मेन्यू कर देना है और वो आपका फ्रंट पे आकर यहाँ नजर आ जाएंगे। अभी आपने फिलहाल सिर्फ इस एक तरीके पे कायम रहना है और किसी और तरीके पे नहीं जाना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब आप मेन्यू में मत उलझिएगा, आप तीनों से चारों से मिलेंगे, ठीक है। वो सारा काम हम करेंगे वन बाय वन, सब तरीकों से हम काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। मुझे मैम ये बताइए, जो आपने पहले जो काम करवाया था कैटेगरीज का, वो हम कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने तो वहाँ अपलोड कर दिए है ना पिक्चर्स। देखिए मैंने सब क्या बताया था अभी भी, वो यहाँ फ्रंट पे जब हम आएंगे तो मेरा डैशबोर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा ना, हमारा जब डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँ कस्टमाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, मैम अभी जो हमने बना के रख दिया है तो उसका इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ेगा जब हम एलिमिनेटर को यूज करेंगे, कोई फर्क वो अभी आप बना दिया। आपको मैंने सिर्फ कहा है आप अपनी तस्वीरें डाल दी है ना आपने। आप देखिएगा जैसे ही मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके, मैं उस पेज को सिलेक्ट करके मैं फ्रंट पे लेकर आऊंगी ना, जो तस्वीरें आपने डाली है फ्रंट पे फौरन शो होना शुरू हो जाएगी। ये बात मैं इंशाल्लाह कल आपको, आज मुझे आपको पेजेस को क्लियर करना था, कल मैंने कैटेगरी से आपको कैटेगरी बनाई है बताई है, आज मैंने आपको पेजेस से कैटेगरी बताई है। अब ये दोनों चीजें आपके सामने हैं, कल इंशाल्लाह ये दोनों चीजें आपके पास फ्रंट पे आ जाएगी, कल इंशाल्लाह आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बिल्कुल ये उलझन जो बन रही है ना, ये कल इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी। अभी आज एक चीजें बताना आपको जरूरी है। कल जब मैं कस्टमाइज करूंगी ना जाके और वहां से मेन्यू को अपेयर करवाऊंगी, तो फिर आपका ये जो आप कैटेगरी बना रही है ना, ये भी नजर आएगी और वो जो कैटेगरी आपने उठाई है वो भी नजर आएगी। फिर आपको इन दोनों में से कोई एक रखनी होगी, या ये रखनी होगी या वो, राइट? ठीक है। अच्छा, अब मैं आप फर्क दिखाती हूँ। शायद आपने सवाल किया कि यही काम तो हम कस्टमाइजेशन से भी कर सकते हैं जो आप यहाँ कर रही हैं। मैं आपको, मेरा आज का सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने जो आज का काम बताना था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दोनों का फर्क बता रही हूँ। जब आप कस्टमाइजेशन से जाकर कैटेगरी को शो करवाते हैं, उसको जाके हम एलिमेंटर से सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसको जाकर हम एलिमेंटर से सेट नहीं कर सकते। एलिमेंटर से सेट करने से आपको ये फायदा होता है कि आपको एलिमेंटर में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बॉक्स बना दें, उसको ट्रायंगल बना दें, उसको सर्कल बना दें, उसके ऊपर फॉन्ट डाल दें, उसके कॉर्नर्स गोल कर दें, उसको बड़े से स्लाइडर में ले आए या उसको छोटे छोटे स्लाइडर, इमेज स्लाइडर में ले आए। एलिमेंटर से इतने सारे काम होते हैं। जबकि वो जो वो कैटेगरीज आपने बनाई हैं उसमें आप कुछ भी नहीं। मैं दिखाती हूँ, ये एक वेबसाइट है, इसमें मैंने सिर्फ कैटेगरी से ही उठा के सब कुछ डाला। ये ऑल प्रोडक्ट, ये ऑल प्रोडक्ट में मैंने सिर्फ एक कैटेगरी ही क्रिएट की हुई है, मैंने पेजेस नहीं क्रिएट किए, ठीक है। मैं इसको ओपन करूंगी। जब मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन देखना चाहूंगी ना, कि मैं एलिमेंटर से चेंज कर दूं, इसके कॉर्नर जरा गोल कर दूं, यहाँ पे फॉन्ट जरा चेंज कर दूं, कुछ और कर दूं, नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मुझे एलिमेंटर का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ये तो कैटेगरी है, कैटेगरी तो बस जो बन गई बस बन गई। ये पेशू फर्नीचर कैटेगरी तो बस जो बन गई बस बन गई। इसके अंदर मैं तब्दीली कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा टफ प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है। जबकि अगर मैं एलिमेंटर से जाकर, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, मैंने ये कैटेगरी क्रिएट की हुई है और एक वेबसाइट में आपको दिखाती हूँ वहां मैंने पेजेस से क्रिएट किया। कौन सी थी, एक सेकेंड मुझे नाम याद करने दें। सेलिंग, अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने कैटेगरीज क्रिएट की हुई है, वहां मैंने पेजेस क्रिएट। मैं आपको ये देखिए, ये अभी लोड हो रही है। ये तीन तीन प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड हो रही है। यहाँ तब्दीली नहीं हो सकती, यहाँ एलिमेंटर नहीं आ सकता। ये जो ये वाली वेबसाइट थी ना, ये यहाँ पे आएगा। जब मैं इसको एडिट में एलिमेंटर करूंगी ये आएगा। यहाँ पे मुझे क्यू पेजेस क्रिएट, मैं काम करती हूँ सिर्फ कैटेगरी पे, मैं ये वाला ही काम, मैं पेजेस क्रिएट नहीं करती, मैं सिर्फ कैटेगरी वाला काम करती हूँ। मैं पीछे जो आपने ऐड सना ने और खुशबख्त ने जो तस्वीरें डाली थी ना, वो आप पीछे तस्वीरें जो डाली है ना, जैसे ही हम मैं इसको आके फ्रंट पे काम करूंगी ना, आपकी वो तस्वीरें ऐसे नजर आना शुरू हो जाएंगी। 3-3 के ब्लॉक, 3-3 पिक्चर्स के ब्लॉक में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर मैंने जो पेजेस क्रिएट किए हैं उसमें ये मैं चाहूँ तो 4 तस्वीरें दिखा दूं, चाहूँ तो 6 दिखा दूं, चाहूँ तो 8 दिखा दूं, चाहूँ तो इनके पीछे बैकग्राउंड तब्दील कर दूं, चाहूँ तो इनको डार्क कलर में कर दूं, चाहूँ तो इनका ये फॉन्ट जो है इनके ऊपर ले आऊं, चाहूँ तो इसको कैरेसल में ले आऊं, यानी ये स्लाइडिंग में चलनी शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने जो पेजेस क्रिएट किए हैं, ये मैंने कैटेगरीज नहीं क्रिएट की हुई, ये मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं। तो ये पेजेस क्रिएट करने का मकसद मेरे कस्टमर की डिमांड थी, मेरे कस्टमर ने मुझे ये कहा था कि जब आप ये मैंने जब उसको कैटेगरी वाली ये चीज बना के दे दी तो उसने जब इसको मोबाइल में ओपन किया तो ये सिंगल प्रोडक्ट मोबाइल में नजर आ रही थी, ये नजर आ रही थी, ये नजर आ रही थी, यानी एक वक्त में एक ही तस्वीर नजर आ रही थी। मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे एक वक्त में 2 पिक्चर्स चाहिए, यानी जब मैं इसको मोबाइल व्यू में लेकर आती हूँ तो ये दोनों एक साइड पे नजर आएंगी, फिर ये दोनों उसके नीचे नजर आएंगी, फिर ये दोनों उसके नीचे नजर आएंगी। ये कस्टमर की डिमांड थी। पेजेस पे काम करना बहुत लंबा होता है लेकिन अच्छा भी होता है, खूबसूरत होता है, बहुत लंबा होता है। मैंने फिर इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए क्योंकि मुझे ये बात उसने पहले मेंशन नहीं की। तो ये मैंने पेजेस पे काम किया हुआ है और ये मैंने कैटेगरीज में काम किया हुआ है। फर्क नजर आ रहा है आपको कैटेगरीज में और पेजेस में? कैटेगरी में बस ये 3-3 के पोर्शन नजर आते रहते हैं ऑटोमेटिकली, और जब आप इसको मोबाइल में देखते हैं तो आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नजर आती है, बस 2 नहीं नजर आती मोबाइल से। और जबकि पेजेस में आप लाके 2 भी दिखा सकते हैं, 3 भी दिखा सकते हैं, 4 भी दिखा सकते हैं, स्लाइड भी दिखा सकते हैं, कॉर्नर भी गोल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी फॉन्ट ला सकते हैं, उनकी उनकी उनके अंदर वीडियो भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्क है और ये फर्क हम कल मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी। जी, आप लोग कोई क्वेश्चन मेरे से इस बारे में करना चाहेंगे? बस जी मैम, एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। ये लैंडिंग पेज और पेजेस और ड्रॉप डाउन मेन्यू ये सभी एक ही नाम है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है? लैंडिंग वो है कि जब आपका नाम लिखते ही एक पेज लैंड करके आपके सामने आ जाए फौरन, सिंगल पेज। जी, सिंगल पेज वेबसाइट देखें, जैसे कि ये मैं आपको वेबसाइट दिखाती हूँ। अभी ये कल जो फर्स्ट डे आपको याद होगा कि आप यहीं पे शायद फर्स्ट डे मेरी एक आई थी फर्स्ट बैच की, उनको मैंने ये टास्क दिया था, उन्होंने परसों ये टास्क कंप्लीट किया। ये लैंडिंग पेज सिंगल पेज वेबसाइट, ठीक है, ये सिंगल वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है और ये कहीं पे भी कहीं और नहीं खुलता, बस इसका एक ही पेज है। अब आप इसमें से किसी को भी क्लिक करेंगे वो इसी में से एक सेक्शन पे होंगे। ठीक है, उन्होंने इसको बनाया और ठीक जी, ये लैंडिंग। और दूसरा पेज आप कौन सा कह रहे थे? ड्रॉप डाउन मेन्यू। मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू और लैंडिंग पेज में एक ही चीज को समझ रहा था। नहीं, लैंडिंग पेज ये है, देखिए ना, लैंड करके जो पेज एकदम से आपके सामने आता है, इट्स अ लैंड पेज। लैंडिंग पेज जो एकदम से आपके सामने खुलकर सामने आता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ये है जो मैंने आपके सामने मेन टॉपिक बनाए, मेन टॉपिक के नीचे उनकी कैटेगरीज बनाए। अभी आप देख रहे हैं ये मैंने हैंडमेड कैटेगरी आपसे भेजी है, हैंडमेड कैटेगरी। आपने ये हैंडमेड कैटेगरीज देखी है पेजेस के जरिए। अब वो पेजेस जो ऑटोमेटिकली, वो कैटेगरी जो ऑटोमेटिकली बन के आपके सामने आ जाएंगी, वो मैं आपको कस्टमाइजेशन से बताऊंगी इंशाल्लाह कल। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया ना लैंडिंग पेज का जो ये मेन पेज है, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज, अच्छा इसकी सब कैटेगरी आपने दिया हुआ है, एयरपोर्ट दिया है या मकान में चार्जर है, तो अगर उसकी लैंडिंग पेज बनाया तो उसकी भी बन सकती है ना, लाइक एयरपोर्ट हम क्लिक करें तो ये भी एक लैंडिंग पेज पे आ जाएगा ना? इसका भी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। जहरा को मैंने यही काम दिया हुआ है, सेम आप जो कह रही है ये है। ये जहरा की नहीं, इस पेज पे वो काम नहीं कर रही है, जहरा भी किसी का काम कर रही है। मैं आपको जहरा को मैंने लैंडिंग पेज के अंदर एक और लैंडिंग पेज बनाने के लिए दिया है, दिखा। वो जरा बड़ी वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया था ना, मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने अपने हस्बैंड की वेबसाइट क्रिएट करी है, जो उसके हस्बैंड इंजीनियर है। उसके हस्बैंड के 4 दोस्त इंजीनियर हैं और उनकी वेबसाइट में 4 का अलग अलग पोर्टफोलियो बना। ये जो एक मेरी कस्टमर जिन्होंने सॉरी फर्स्ट बैच की मेरी जो स्टूडेंट है, इन्होंने ये एक लैंडिंग पेज बनाया है ना, यही वाला लैंडिंग पेज इनकी वेबसाइट में आकर ये इनकी साइट है ये इनकी साइट है और इस साइट में मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो बना रही है ना, इसके अंदर एक लैंडिंग पेज के अंदर 4 और लैंडिंग पेजेस बना रही है पूरे के पूरे। इनमें से एक पेज जहरा की अपनी वेबसाइट पे भी काम कर रही है, जो मैं टास्क उन्हें देती हूँ वो भी कर रही हूँ, और साथ में मैंने इनको एक कस्टमर का टास्क दिया। कह रही हूँ फर्स्ट बैच के स्टूडेंट का टास्क इनके साथ ये बना रही हैं वो। मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट ये अपने हस्बैंड की बना रही हैं, काफ़ी सारी बना चुकी हैं, ये कंप्लीट कर चुकी हैं और मैं भी इसको आज ही देख माशाल्लाह काफ़ी बना लिया उन्होंने। अभी इधर और सेक्शन क्रिएट करने हैं। अच्छा अब इसके अंदर ना उन्होंने इस जगह पर ये पोर्टफोलियो के नाम से आ रहा है ना, ये देखें अभी इन्होंने ये चेंज करना है। ये देखें ये गलती कितनी बड़ी है कि उन्होंने कलर ही मेन्यू के चेंज नहीं किए। अब ये ज़हीर हैं, जावेद हैं और मसूद हैं। ये ज़हीर, जावेद और मसूद इसके हस्बैंड के कोलीग्स हैं। इन चारों के ये वाले लैंडिंग पेज तैयार होंगे सेम। ये तो अलग हैं, ये अलग है। वजिया क्या नाम है, सना, ये वजिया है, ये भी अमेज़ॉन का काम करती है। इन्होंने मेरे साथ अमेज़ॉन का कोर्स किया था और हम दोनों ने इकट्ठे ही किया था और अब ये अमेज़ॉन की तरफ वॉलमार्ट की तरफ चली गई है और मैं वेबसाइट की तरफ आ गई हूँ। और जहरा ने हमारे साथ किया था, जहरा अब जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चली गई। हम तीनों फ्रेंड्स हैं और हम तीनों ने एट अ टाइम सारे काम किए। अमेज़ॉन भी किया था, वर्ड किया था और ग्राफिक डिजाइनिंग भी किया था। तो हम तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग जगहों पर हो गया, यानी वजीहा को अमेज़ॉन में हो गया, मुझे वेब में हो गया, जहरा को ग्राफिक हो गया। तो हम तीनों ने अपनी कंपनी बनाई और अपनी कंपनी की वेबसाइट क्रिएट की और हमारे पास 4-5 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर भी और ग्राफिक डिजाइनर भी और वर्डप्रेस डिजाइनर भी और वीडियो एडिटर भी। हम ये अलग अलग 5 लोग 5 चीज़ों पे काम करेंगे। हमारी वेबसाइट पूरी जो है ये हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बना के ये ओपन हो जाती है तो आप देखिएगा। तो हम लोगों ने एट अ टाइम 3 टास्क लिए थे और तीनों में से जिसको जहाँ इंटरेस्ट हुआ हम तीनों उस तरफ चले। तो ये हम तीनों इस तरह मिलकर किया। तो अब जहरा जो है वो साथ वर्डप्रेस को भी चाह रही है कि इसको भी कंटिन्यू करें, इसीलिए आप आपको इसको काम तो वरना ये कि हमने और ये हमारी वेबसाइट सबसे पहले काफ़ी पहले हम लोगों ने क्रिएट की थी। और अब हमें किसी कस्टमर को काम दिखाना होता है तो हम अपनी ये स्किल्स एंड सर्विसेज की वेबसाइट और हम लोगों के पोर्टफोलियोज इसके अंदर हैं। मेरा पोर्टफोलियो ये है वर्डप्रेस वेब सर्विसेज, ये मेरा पोर्टफोलियो है। ये जहरा का पोर्टफोलियो ग्राफिक का और इसके अलावा वजीहा जो है जिनकी मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ उनका पोर्टफोलियो। ये मेरा जो मैं वेबसाइट कुछ बना चुकी हूँ उनमें से मैंने कुछ लाके यहाँ चेक किए रखी हैं और मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। इसी तरह जहरा ने अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, वजिया ने अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं जिनके काम किया हुआ है। ये जहरा की, ये जहरा हमारे साथ जो है ये इनका काम है और ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं। इन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी काम किया है ग्राफिक्स पे और कर भी रही हैं अभी। और मोना इनका नाम है और जहरा कहा जाता है। ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं, ये इनका काम है, करती रहती हैं और पोर्टफोलियोज में डालती रहती हैं कि ये खुल रही हैं। ये अब तक ये काम कर चुकी हैं, काफ़ी काम कर चुकी हैं। तो इस तरह से इस तरह वजिया की भी हमारे पास इसमें पोर्टफोलियो डाला हुआ है, सबका डाला हुआ है। ये हमारा काम, इंशाल्लाह आप लोग भी इस लेवल पे आएंगे और अपना काम करेंगे। आज की क्लास में आपको मैम ये जो एफिलिएट जो वेबसाइट बनती है अमेज़न से रिलेटेड तो इसके तो अंदर हमें कोई अपना अकाउंट वाली ऑप्शन नहीं है फिर ना रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि क्या करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंटरेस्ट है कि मैं एफिलिएट के जो अमेज़न एफिलिएट कुछ लोग करते हैं तो मैं वैसे भी वेबसाइट बना के तो एफिलिएशन के थ्रू मैं भी कुछ करूँ तो उसमें तो ये बनाएगी ना सना आपकी वेबसाइट ये बनाएगी और आप अपनी पहली मोबाइल शॉप की वेबसाइट बनाइएगा, ठीक है? फिर आप उसके बाद वो वाली बनाइएगा एफिलिएट मार्केटिंग। आपने भी तो इंशाल्लाह मेरे साथ 3-4 वेबसाइट डिजाइन करनी है कि नहीं करनी? इंशाल्लाह करनी है, वो तो लाजमी करनी है ना, तो हम करेंगे इंशाल्लाह 1 by 1 सारी। चलो ठीक है जी। उसका सवाल नहीं मैम, थैंक यू सो मच, समझ में आ गया। बस एक तो आप वीडियो भी देख लेंगे ना, आप कोशिश कीजिएगा आप लोग ना कल तक ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि कल हम डैशबोर्ड दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम कल परसों है ना तो परसों हम अपने फ्रंट को स्टार्ट कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीक जो है हम नेक्स्ट 2 वीक्स जो है हम फ्रंट साइड पे काम करें, ठीक है। हमारे फर्स्ट 2 वीक पर डैशबोर्ड समझेंगे, नेक्स्ट 2 वीक्स हमारे फ्रंट पे वो लगेंगे और अगला नई वेबसाइट, ठीक है। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।